अब हम सीखेंगे उसी रेकी फर्स्ट डिग्री सिंबल। एक्चुअली सभी रेकी मास्टर टीचर्स या रेकी ग्रैंड मास्टर्स जो होते हैं वो फर्स्ट डिग्री में कोई भी सिंबल नहीं देते हैं। तो जैसे हमें हमारे रेकी गुरु ने फर्स्ट डिग्री में ही सिंबल दे दिया था चोकुरे, इसलिए हम भी हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फर्स्ट डिग्री में ही चोकुरे अट्यूनमेंट देते हैं। तो आइए हम सीखते हैं चोकुरे कैसे बनाना है। चोकुरे को हमें ऐसे ऐसे बनाना है। हम इसको सीधा भी बना सकते हैं थोड़ा। 1, 2, 3 बस इस पॉइंट से बाहर नहीं जाना, मतलब अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए। एक और बार देखते हैं हम लोग। 1, 2, 1, सॉरी, एक दूसरे को टच नहीं करना है। फिर से देखिए, 7 जैसे लिखते हैं हम 7 बनाएंगे। 1, 2 और ये 2 1/2। हमें इस पॉइंट से इस तरफ नहीं जाना है। इसे हम कहते हैं चोकु रे सिंबल। एक्चुअली ये सिंबल बहुत ही पावरफुल होता है। ये बहुत ही पावरफुल सिंबल है। चोकुरे से बहुत कुछ पॉजिटिव किया जा सकता है, पर मेन जो बात है, हम हमेशा सभी से रिक्वेस्ट करते हैं। आज भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप सभी से, कोई भी आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, अगर आप प्रॉपरली रेकी अट्यूनमेंट ले चुके हैं फर्स्ट डिग्री, या आपके फर्स्ट डिग्री अट्यूनमेंट में आपके रेकी गुरु ने आपको चोकुरे अट्यूनमेंट दिया है सिंबल, तभी आप चोकुरे को यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ आप ऐसे ही वीडियो देख के अच्छा लगा और यूज़ कर लिया, ऐसे अगर करेंगे तो इससे आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे जो इररिकवरेबल है। इवन रेकी से भी वो रिकवर नहीं हो सकता। और बिना अट्यूनमेंट के तो ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। चोकुरे के बहुत सारे यूज़ेस होते हैं। सपोज़ हम कहीं गए हैं, घर आना है हमें, ऑफिस गए हैं, ऑफिस से घर आना है, या हम मार्केट गए हैं, मार्केट से हमें घर आना है वापस, तो बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, बारिश कम ही नहीं हो रही है। अगर हम आसमान की तरफ ये चोकुरे सिंबल बना के जैसे एक्टिवेट हो बोलते हैं, वैसे जो जैसे क्लासेस में सिखाया जाता है, वैसे अगर बोला जाए और एक्टिवेट किया जाए, तुरंत कुछ ही सेकंड्स में या कुछ ही मिनट्स में बारिश बंद हो जाएगी। आप कहीं स्पेशल कहीं जा रहे हैं, कोई शादी हो या कोई भी काम के लिए आप निकल रहे हो, कोई भी काम के लिए आप जा रहे हो, तो अगर सपोज आपके रास्ते में जैम लग गया है, रोड जैम हो गया है, और आपको बहुत जल्दी आपके डेस्टिनेशन में पहुंचना है, पर आप उस टाइम अगर अट्यून हो, रेकी अट्यूनमेंट मिल चुका है आपको, और चोकुरे आपको मिला है अट्यूनमेंट में, तब आप इस चोकुरे सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। और तुरंत देखिएगा कितने इजीली आपको रास्ता मिल जाएगा। आप जिस भी व्हीकल में जा रहे हैं उसको रास्ता क्लियर मिलेगा और आप आपके डेस्टिनेशन में बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। और साथ में ही अगर आप आपके गार्जियन एंजल को प्रे करें कि जल्दी से जैम दूर हो जाए, और फिर देखिए आप आपके लाइफ में कितना अच्छा पॉजिटिविटी आता है। रेकी सीखने से आपके हेल्थ, फिनेंस, रिलेशनशिप्स, करियर, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ,
आप हर तरफ से आप पॉजिटिव रह सकते हैं रेकी सीख कर। जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है रेगुलरली, डेली बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आप खुद की हीलिंग करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए आपको सिर्फ एक बार जब आप किसी योग्य रेकी गुरु या रेकी ग्रैंड मास्टर या रेकी मास्टर टीचर से अट्यूनमेंट ले रहे हैं प्रॉपरली, तब आपको एनर्जी एक्सचेंज के रूप में आपको फीस देना होगा। बस उसके बाद आप जैसे ही ये रेकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, आपको 21 डेज का मिनिमम आत्मशुद्धि का प्रोसेस करना ही है कंटिन्यू। उसके बाद आप रेगुलर बेसिस में जितना प्रैक्टिस करेंगे, हम क्लासेस में बोल देते हैं, बता देते हैं हमें कैसे यूज़ करना है, कौन से चक्रास में हीलिंग करने से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, या हमारे जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर सकते हैं हीलिंग के द्वारा, रेकी के द्वारा, रेकी सिंबल्स के द्वारा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें ना तो आपको कोई इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, ना ही कोई झाड़ फूँक, ना कोई मंत्र तंत्र, कुछ नहीं। जस्ट आपको विश्वास रखना होगा आप में, आपके अट्यूनमेंट के बाद जब आपको वो फील होगा तभी आप इसको अनुभव कर सकेंगे। नहीं तो किसी को बोलने से शायद आपको समझ में ना आए, पर जिन्होंने रेकी ऑलरेडी सीखा है, अट्यूनमेंट लिया है, वो अपने लाइफ में रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे आप उनका फीडबैक जानिए, तो आप मिरेक्युलस रिजल्ट्स जो उनको मिलते रहते हैं हमेशा, वो आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे। और विश्वास करके अगर आप रेकी सीखे तो आपके लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आए कि आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ भी बहुत अच्छे से एनहेंस होता है रेकी सीखने से, और आपके आपके लाइफ से सारी नेगेटिविटीज़ धीरे धीरे ऑटोमेटिकली दूर होना स्टार्ट होता है। आप हर तरफ से पॉजिटिव रह सकते हैं। तो ज़रूर रेकी सीखिए किसी योग्य रेकी गुरु से, और ये ध्यान रखिएगा कि आप जिन रेकी गुरु से अट्यूनमेंट ले रहे हैं वो आपके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे या नहीं, ये आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। क्योंकि एक बार रेकी अट्यूनमेंट लेने के बाद अगर हम जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे हमें पता चलता है कि हमें कैसे हीलिंग करना है। हम जब हीलिंग स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे अलग अलग मतलब क्वेरीज आते हैं मन में कि हमें ये ऐसा प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए, वैसा प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए। तो ये सिर्फ हमारे जो रेकी गुरु हैं वो ही हमें गाइड कर सकते हैं ठीक से। तो इसके लिए रेकी गुरु के साथ हमेशा के लिए कॉन्टैक्ट में रहना थोड़ा ज़रूरी होता है। जब आप खुद एक योग्य रेकी हीलर या रेकी मास्टर हो जाएंगे तब आपको ज़रूरत ना भी हो सकता है, पर जब आप फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या मास्टर लेवल्स कर रहे हैं तो आपको तब एक आपके रेकी गुरु के हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। आप थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, जब भी आप रेकी अट्यूनमेंट लें आपके गुरु से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि उनका साथ, वो आपका साथ कितने दिन तक या कितने साल तक दे सकते हैं। आज यहीं तक, ऐसे ये फर्स्ट डिग्री का चोकुड़े सिंबल दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी इस सेकेंड डिग्री, उसी रेकी सेकेंड डिग्री में जो दो सिंबल्स हैं, और दो सिंबल्स जो और भी पावरफुल है, जो हमारी हीलिंग को और भी पावरफुल करते हैं, उन सिंबल्स को एक एक करके मैं बताऊंगी। और एक और बात कि जो ये रेकी के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको ये बताना चाहूंगी मैं कि उसी रेकी फर्स्ट डिग्री अट्यूनमेंट लेने के बाद आप खुद को हील कर सकते हैं, खुद के हर एक प्रॉब्लम को आप हील कर सकते हैं अगर आप अट्यूनमेंट लेने के बाद रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ जो मेन चीज़ है वो आपके जो ब्लड रिलेटेड जो भी पीपल हैं आपके लाइफ में, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ हैं, हस्बैंड और वाइफ आपके ब्लड रिलेटेड ना होने पर भी क्योंकि वो आपके बेटर हाफ होते हैं, इसीलिए उनके ऊपर आप टच करके हीलिंग देने से उनको भी हीलिंग का फ़ायदा ज़रूर होता है।
तो ज़रूर सीखिए। उसी रेकी फर्स्ट डिग्री सीखने के बाद ही आपको जो एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप अपने हीलिंग पावर को बढ़ाना चाहेंगे या नहीं। बस आज यहीं तक। नमस्ते।